एक बार की बात है, एक महात्मा थे और हमेशा ईश्वर के ध्यान में मग्न रहते थे, हमेशा ईश्वर को याद करते रहते थे। उनको लगता था ईश्वर उनका बड़ा ध्यान रखते हैं, उन्हें बड़ा प्यार करते हैं। एक बार क्या हुआ, जहां वह महात्मा रहते थे तो वहां बाढ़ आ गई और बड़ी भयंकर बारिश हो रही थी, तो उनके आसपास के जो रहने वाले लोग थे वो उस स्थान को छोड़कर जाने लगे। पर यह बात महात्मा जी की समझ में नहीं आई। जो आसपास के लोग थे उन्होंने उनसे अनुरोध भी किया कि महात्मन चलिए, निकल चलिए, बाढ़ आ रही है और कभी भी समस्या बढ़ सकती है। पर उन्होंने कहा, नहीं, मैं प्रभु भजन में मस्त हूं और ईश्वर मुझे अपने आप बचा लेंगे। तो आसपास के जो लोग थे वो चले गए। उसके बाद फिर एक नाविक आया और जब वह नाविक आया तो बाढ़ का पानी इतना हो चुका था कि महात्मा का शरीर आधा पानी में डूब चुका था, पर उस समय भी वह ईश्वर भक्ति में लगे हुए थे। नाविक ने कहा, महात्मन चलिए, डूब जाएंगे। तो महात्मा ने मना कर दिया कि मैं नहीं चलूंगा, आप चले जाइए और मेरी रक्षा भगवान स्वयं करेंगे। उसके बाद फिर वहां से कोई आया और उसने फिर महाराज से अनुरोध किया कि महाराज चलिए, नहीं तो बाढ़ में आपके प्राण चले जाएंगे। पर तीसरा मौका भी उन्होंने गंवा दिया। जो बाद में जो लोग उनके पास आए थे कि आप चलिए, हम आपको निकाल लेते हैं, बाढ़ से बचा लेते हैं, तो उनका अनुरोध भी महात्मा ने स्वीकार नहीं किया। और अंत में जब पानी सिर के ऊपर पहुंचने को था, वह महात्मा बड़ा परेशान हुआ और ईश्वर को याद किया। लेकिन तब क्या होने वाला था, वह डूबने ही वाला था। उसने क्रोध के वश में ईश्वर को फिर पुकारा, मैं तेरे भरोसे बैठा हूं और तूने मुझे बचाया नहीं। तो प्रभु ने उसे दर्शन देकर के कहा कि अरे मूर्ख, मेरा अपमान करता है, मैं तुझे बचाने के लिए तीन बार आया। पहले ग्रामीणों के माध्यम से आया जो तेरे आसपास रहते थे, उन लोगों के माध्यम से आया, फिर नाविक के माध्यम से आया, और उसके बाद वो दो लोग भी तो आए थे जो कह रहे थे महात्मन हमारे साथ चलिए, चलिए आपको निकाल ले चलते हैं, तब मेरी बात क्यों नहीं मानी। उन नाविकों के अंतर मन में मैं ही तो था, जब आपने हमारी बात नहीं मानी तो अपने कर्म का फल भुगतो। और इस तरह से वह महात्मा डूब गए।